दोस्तों, ये एवेन्यू ओवरसीज़ लिमिटेड के Q1 के रिज़ल्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हो जो जितनी भी अमाउंट है ये सारे लैक्स में है। और यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर है, और इसके साथ में ये यहाँ पे इस Q1 का रिज़ल्ट और ये प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट है यहाँ पे। तो अगर हम इनकम की बात करें तो जो लास्ट टाइम 2500 कंपनी ने कमाए थे वो बढ़ करके 2783 तक हो चुके हैं। और अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है कंपनी की इनकम में। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है इनकम के मुकाबले, और अगर हम एक्सपेंस की बात करें कंपनी की, तो जो लास्ट टाइम 2400 कंपनी ने खर्च किए थे वो अब बढ़ करके 2700 तक पहुँच चुके हैं। और क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी एक्सपेंस में गिरावट है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे लास्ट में नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कंपनी ने जो लास्ट टाइम 105 कमाए थे वो घट करके 33 तक पहुँच चुके हैं। लगभग ये 70% के आसपास डाउन है, और क्वार्टरली वाइज भी सेम उतना ही डाउन दिख रहा है हमें नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में एक बहुत भारी गिरावट है। और अगर हम इसका कंपनी का EPS भी देखें, उसी हिसाब से इसका EPS भी डाउन है, जैसे नेट प्रॉफिट डाउन है। जो लास्ट टाइम 0.10 था उससे घट करके अब 0.01 तक पहुँच चुका है नेट EPS। क्वार्टरली वाइज भी सेम वैसी गिरावट दिख रही है हमें EPS में। दोस्तों, ये एवेन्यू ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का चार्ट पैटर्न, एक दिन में 1.25% की गिरावट इसमें दिख रही है मंडे के दिन। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 10% की गिरावट है, और अगर एक महीने की बात करें तो 35% तक ये नीचे आ चुका है, और 6 महीने में 77%। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट है वैसे इतने कम टाइम फ्रेम में। और अगर हम 1 साल की बात करें तो आपको 44% के रिटर्न इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं शेयर प्राइस में। और अगर 5 साल का हम टाइम फ्रेम देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने 61% के रिटर्न दिए हैं, और अगर मैक्सिमम देखें तो ऑल टाइम वही 61% के रिटर्न शो हो रहे हैं। ये एकदम से रॉकेट बन गया था शेयर, अब क्रैश होते होते ये नीचे तक आ गया, 2 रुपये तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये एक रिस्की कैटेगरी वाला स्टॉक है, आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसने अगर 5 साल का टाइम फ्रेम देखें तो 5 साल में इसने 800% के रिटर्न कमा के दे दिए थे, और उसके बाद से लेकर अभी तक ये लगभग 85% शेयर प्राइस इसका डाउन चल रहा है। तो आप अपनी स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए इसमें।